आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। गया में चौकीदार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। जनाधिकार पार्टी में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता, पप्पू यादव ने पार्टी में किया स्वागत। स्थापना के दो साल के अंदर ही विवाद में आया पूर्णिया विश्वविद्यालय, एमएलसी ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग। नानावत में कोरोना का कहर, डीएम ने की 5 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनेगा नया पुल, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। बीजेपी विधायक सत्यनारायण यादव को हुआ कोरोना, सभापति अवधेश नारायण से की थी मुलाकात। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा, तटबंध के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का सीएम ने दिया आदेश। नेपाल में तेज बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा, शिवहर में SH-54 पर चढ़ा पानी। बिहार में आसमान से बरसी आफत, वज्रपात से 16 की मौत। हार्ट अटैक से पटना NMCH के अधीक्षक की मौत, डॉक्टरों ने दी श्रद्धांजलि। हेमंत सोरेन की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, आज ही दिए थे टेस्ट सैंपल। पटना का कुख्यात अपराधी विजेंद्र शर्मा और छोटू सिंह एक साथी के साथ गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद। पटना स्थित एम्स बना COVID-19 अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में कोरोना ने मचाया कहर, थाना प्रभारी सहित 13 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नालंदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 लुटेरों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश से कहा, चुनाव का नहीं ये कोरोना से लड़ने का वक्त है। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, पार्टी 94 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। चित्रपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती, NDRF SDRF को किया गया अलर्ट। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 250 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या पहुंची 3518। विधानसभा चुनाव में JDU को युवाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा, RCP बोले युवा नीतीश की पहचान आत्मसात करे। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।